माइंड में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, लेकिन उस टेक्निक में जो आप लोग यूज कर रहे थे वो माइंड मैपिंग की थी। आज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग ही करेंगे क्लास में, लेकिन उस टेक्निक का नाम है मेटल थिंकिंग। तो कल जो क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक किया था चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, उस पेज को आप अपने सामने रखें प्लीज। कल आप लोगों ने चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी क्लास में किया था रात को, उस पेज को सामने रखें अपने। अभी सेकंड पेज का जी बेटा, जो कल हमने टॉपिक किया था चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, उस पेज को आप अपने सामने रखेंगे। तारुफ अली भट्टी, रजीम हसन, सदफ मुगल, शहजाद सुमरो, राजा सैफ अली भट्टी, अपना वीडियो ऑन करें, और डॉक्टर मुजम्मिल, राबेल, अरबाब तनवीर, अहमद रजा, आमना जफर, दुर्दाना हैदर, वसीम, शहजाद सुमरो, दुर्दाना हैदर, रजीम, सदफ मुगल, जी इनको मैसेज करते हैं। मेरा पहले थोड़ा समझेंगे कि जो माइंड मैपिंग प्रोसेस था, जैसे कल आपको टॉपिक मिला और आज आपने असाइनमेंट भी भेजी होगी, जैसे टॉपिक मिला चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। अब आपके जैसे टॉपिक मिला तो आपने चैलेंजेस लिखना शुरू, यानी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। और जो टेक्निक है उसे हम माइंड मैपिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हम क्लास में एक टेक्निक सीखेंगे भी और प्रैक्टिस करेंगे, और उस टेक्निक का नाम है पैटर्निंग। और पैटर्निंग कैसे होगी, जैसे मतलब कल का जो टॉप पेज आपके पास चैलेंजेस 21st सेंचुरी के ये आपके साथ पड़ा हुआ सामने, इन चैलेंजेस में से आप टॉप 10 चैलेंजेस सिलेक्ट करेंगे। आप करेंगे पहले आप एक्टिविटी समझ लें और उसके बाद क्या करना है, टॉप 10 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान यानी आपने जो आपका कल की ब्रेनस्टॉर्मिंग थी और चैलेंजेस सामने पड़े हुए, इनमें से आप टॉप 10 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस पिक करेंगे पहले, और उसके बाद 5 causes to each challenge, ये मतलब मेरा आज का। अब पैटर्निंग क्या है, मिसाल दे रहा हूं कि मेरा एक चैलेंज है टेररिज्म, जगह छोड़ दी, इसके बाद दूसरा मिसाल करप्शन है,
तीसरा मैं पावर्टी को करता हूँ। देखिए तला साहब, तो जब टेररिज्म मैं पहला काम क्या करूंगा कि जो कल की क्लास वर्क है उसमें से आप 10 इम्पोर्टेंट चैलेंजेस निकाल दें, जैसे 2 मैंने लिखे हैं, 8 और लिखेंगे, फिर जगह छोड़ते जाएंगे और फिर आप टेररिज्म इसके कारण फॉरेस्ट बॉर्डर्स लॉ इंटरफेरेंस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, और फिर आप इसी तरह से टेररिज्म के 4 या 5 5 5 काज़ लिखेंगे, फिर करप्शन के 5 काज़ लिखेंगे, और फिर आपका मिसाल पावर्टी है तो उसके 5 काज़ लिखेंगे। तो आई विल गिव यू 15 मिनट्स, मैं आपको 15 मिनट दूंगा, और एट दी 15 मिनट्स एक सुन लें, 15 मिनट्स में आपका जब ये सारा हो जाएगा तो फिर आप इसकी तस्वीर निकालेंगे, इस जो भी असाइनमेंट होगी स्कैन करके नहीं भेजेंगे, सिंपल तस्वीर भेजेंगे अजीज को अपना नाम लिखकर, और वो फिर मुझे दे देगा एंड आई विल चेक। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैटर्निंग जो टेक्निक है उसमें ये होता है कि आपका टॉपिक है टॉप 10 इम्पोर्टेंट चैलेंजेस, पाकिस्तान को जो दरपेश 10 अहम मसाइल हैं उनकी नाम लिखेंगे, और हर चैलेंज के 5 कॉजेस लिखेंगे। तो एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स आपके पास 50 काजेस होंगे, 50, और 10 चैलेंजेस होंगे, और आपके पास तकरीबन 60 कंट्रोलिंग आइडियाज होंगे। देखो बेटा, मुझे ये जो पॉइंट जो काज कोई बड़ा करके नहीं लिखना, बिल्कुल सर रफ वर्क, और मुझे टारगेट टीचर ने दिया है, और इस टेक्निक को कहते हैं पैटर्निंग। पैटर्निंग का मतलब जैसे टेररिज्म अक्सर न्यू लिखते पहला काज, दूसरा, तीसरा, चौथा, मुख्तलिफ काजेस हो गए। इस एक टॉपिक के 5 काजेस, और वो काज दूसरे का भी काज हो सकता है, आप रिपीट भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। तो आप इस तरह से अलग से पेज निकालेंगे और टॉपिक लिखेंगे, और पहला काम होगा कि आप 10 चैलेंज लिखेंगे थोड़ी जगह छोड़ के, और उसके बाद हर चैलेंज के नीचे आप 5 कॉजेस लिखेंगे, ठीक है, और ये आपको 15 मिनट्स में कवर करना। तो अभी 6:33 में इसको मैं 6:35 करके आपको टाइम दे रहा हूँ, 6:35 to 6:50 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी पहले बेटा 10 चैलेंज पिक करें जो आपकी कल की असाइनमेंट थी, उसमें से 10 लिखे, और फिर हर चैलेंज के काजों लिखे, पहला काम चैलेंजेस लिखने का। जी तारुफ अली भट्टी शहजाद सुप्रो बट अपना वीडियो है ऑन करें, हाजिर रही तारुफ, शाबाश, आई शुड सी कि आप लिख रहे हैं मोहम्मद,
15 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। मोहम्मद रजा, मोहम्मद हमजा, मिस दुर्गाना, डॉक्टर अजीम हुसैन, हसन सदफ ओवर जी फर्स्ट आपको 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। और इसका ट्रिक ये कि पहले 10 चैलेंजेस फाइनल करें और फिर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ टाइम आपका टारगेट इम्पोर्टेंट है। तो बड़े बड़े लिखेंगे, इट्स अ रफ वर्क, मस्ट शो द अर्जेंसी।
मुझे आपके 5 मिनट्स हो गए, बाकी 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट्स आ रहे और ये कंप्लीट करना है। बाकी 7 मिनट्स है। बाकी 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स।
बाकी 4 मिनट है, अगर आपने कंप्लीट करने हो तो अपना नाम जरूर लिखें और इसको व्हाट्सएप कर, इसको तस्वीर। टाइम भी जरूर लिखते हैं कि आपने 6:46 पे कंप्लीट किया, नाम के साथ। तो अपना नाम लिख के अजीज को व्हाट्सएप करेंगे। आपके पास बाकी 2 मिनट है। अच्छा आखिरी मिनट है, इसके बाद यू स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग, अब दूसरा टॉपिक आएंगे। हर चैलेंज के 5 कॉजेज निकले और जब 15 मिनट्स हो गए, आपका जो टोटल कंट्रोलिंग आइडिया बने चैलेंजेस के साथ,
वो बने 60 चैलेंजेस। अब ये है टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टेट ऑफ पाकिस्तान, 5 सॉल्यूशंस टू ईच चैलेंज। मतलब आप 20 इम्पोर्टेंट चैलेंज, मिसाल अगर मैं आपकी जगह हूँ तो ये जो 10 अभी मैंने चैलेंज लिखे हैं, 10 ये मतलब टेररिज्म, करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, 10 ये 10 और, यानी मैं 20 इम्पोर्टेंट चैलेंज लिखूंगा और हर चैलेंज के नीचे 5 सॉल्यूशन आएंगे। यानी हर चैलेंज के नीचे 5 सॉल्यूशन आएंगे और जब ये आप खत्म करेंगे तो आपके पास 120 कंट्रोलिंग आइडिया होंगे और मैं आपका टाइम डबल कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको टॉपिक दिया था 15 मिनट्स का और नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू हाफ एन आवर फॉर दिस। इसका सिंपल हल है कि आप पहले 20 लिख रहे हैं, एक साथ मतलब जगह देते रहे, मतलब 5 आइडियाज की, उसके बाद आप लिखते रहे 20 और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हो। आपने 20 लिखे, अब हर चैलेंज के नीचे 5 सॉल्यूशन लिखते जाओ 5, और उसके बाद आप और वो आपकी सोल्यूशन दूसरे चैलेंज की भी सोल्यूशन हो सकती है, रिपीटेशन हो सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं। तो 653 हुए हैं बेटा, तो मैं दोबारा 655 से शुरू कर रहा हूँ और आप 725 पे खत्म करेंगे। टॉप अगर जो टॉप 10 वाले लिख रहे हैं बेटा, अब वो छोड़ दें क्योंकि आपसे ये फिर लिखा नहीं जाएगा। तो 655 टू 725, टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने कल किए थे उनमें से 20 की पहले लिस्ट बना लो और हर चैलेंज के सामने 5 सॉल्यूशंस है, 5 सॉल्यूशन प्लीज स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स। ओके मिस्टर हसन, मिस्टर मोहम्मद, मिस्टर मोहम्मद हमजा, आमिर अली, वजीर हसन, शहजाद सुबरो, शाहरुख, वीडियो जरूर ऑन कर। सेकंड पेज बेटा अपने वीडियो ऑन करें, असलम रजा, चांदाब रजा, भीम सिंह, मोहम्मद जवाद, मिस्टर गुल बुट्टी, नवाज सुमरो, कंबर याकूब, गजल सुमरो, अहमद रजा, सोबिया, सहर, शहजाद सुमरो, मोहम्मद जवाद, मिस्टर भीम सिंह, मोहम्मद रजा, जवाहर गुलबुट्टी, कंदर याकूब, मिस गजल सुमरो, मिस्टर अहमद रजा, मिस सोबिया, सहर, वसीम जान, वजीम हसन, शहजाद सुमरो, डॉक्टर उमेर, फर्स्ट मैसेज। जी बेटा मैं अगर कंपैरिजन करूँ दोनों टेक्निक्स की, तो जो टेक्निक कल हमने सीखी थी वो थी माइंड मैप। मतलब जब आप सर्किल कर रहे थे, जब आपने सर्किल किया था, तब भी प्रोसेस आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का था, सिर्फ तरीका चेंज था। टेक्निक्स दैट यू आर यूजिंग इट वाज ब्रेन स्टॉर्मिंग, और प्रोसेस ब्रेन स्टॉर्मिंग का, टेक्निक माइंड मैपिंग। देखिए बेटा माइंड मैपिंग की लिमिटेशन है, माइंड मैपिंग आपको 120 कंट्रोलिंग आइडिया नहीं दे सकती। अब जो दूसरी टेक्निक हमने अभी करी वो
है पैटर्निंग। और पैटर्निंग में बेटा आपने देखा कि जो फर्स्ट टॉपिक किया कि टॉप 10 और 5 कॉजेस, आप यूर एबल टू जनरेट 60 कंट्रोलिंग आइडिया। 10 चैलेंजेस हो गए और हर चैलेंज के 5 कॉजेस हो गए, यू जनरेट 60 चैलेंज। अभी जो आपने बेटा नमाज ब्रेक से पहले भेजा है 25-30 मैंने चेक की है, तो अब आप खुद देखें कि आपके पास वो पेज खाली था, मतलब व्हेन यू स्टार्टेड योर पेज वाज टोटली ब्लैंक एंड एम्प्टी। किसी ने एक ही पेज पे लिखा है, किसी ने 3-4 पेजेस लिखे हैं। तो आपने जब 20 चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए और हर चैलेंजेस के जब 5 सॉल्यूशंस लिखने बैठे, तो यू वर एबल टू जनरेट मोर देन जनरेटेड 120 कंट्रोलिंग आइडिया। तो डू यू थिंक के 120 कंट्रोलिंग आइडिया, राइटिंग 120 पैराग्राफ, और वो भी खाली पेज था, एक टॉपिक था कि टॉप 20 थे। अब अगर इसको हम डबल करें, मिसाल में 20 की जगह 40 करो, तो आपका जो टारगेट है वो 240 हो जाएगा। अगर मैं यही रखूं, मैं ये कहूँ कि नहीं, आप 20 चैलेंजेस करें और हर चैलेंजेस के 10 सॉल्यूशन दो, हर चैलेंजेस, तो आप खुद को खुद लिखते जाएंगे और आप यू कैन जनरेट सो मेनी आइडियाज, आप बहुत ज्यादा आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या थी, पैटर्निंग। तो पैटर्निंग टेक्निक इज सच अ ग्रेट टेक्निक that it generates so many ideas. Mind mapping, process brainstorming. आप इधर सर्किल करें या पैटर्निंग करें, बात एक ही है। अब हम आते हैं थर्ड टेक्निक में ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और उस थर्ड टेक्निक में हम वापस आ जाएंगे 8 मिनट में, यानी आपका पर टॉपिक 8 मिनट होगा दोबारा। Now I won't be giving you 15 minutes. और मैं आपको आधा घंटा दूं, लेकिन मेरा पहले बेटा बिफोर यू स्टार्ट योर टॉपिक, मैं आपको ये टेक्निक समझाऊंगा। टेक्निक समझाऊंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग को, आप समझ गए कि सिग्नल देना है माइंड को और आइडियाज जनरेट करना है, ठीक है। और पर्पस ऑफ योर टीचर इज के टू जनरेट, कि आपसे वो सो मेनी आइडियाज जनरेट कराना चाहते हैं, नंबर चाहिए। आई वॉन्ट मोर नंबर के आपके। अब हम तीसरी टेक्निक करने जा रहे हैं, वी कॉल लिस्टिंग। जी टेक्निक का नाम है लिस्टिंग। मैं अब आपको चैलेंजेस वाला टॉपिक नहीं दूंगा, लेकिन मैं मिसाल अब बीवी चैलेंजेस वाला दे रहा हूँ इसी टॉपिक में, Challenges of 21st century. इसी टॉपिक को कल हमने किया था, आपने सर्किल किया था कल, मैंने आपको शुरू किया, इसी टॉपिक को आपने आज भी किया है। एक मिला उसके 4 या 5 आपने जनरेट किया। अगर यही टॉपिक आपको मिले और कहा जाए लिस्टिंग करो, लिस्टिंग, तो हम पेज होगा हमारा, खाली पेज होगा इस एम्प्टी पेज, इधर मैंने टॉपिक लिखा और मैं यूं एरो देता हूं, नंबर नहीं लिखूंगा, एरो देता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा एरो। जी मेरी कामयाबी ये होगी, मेरी कामयाबी मतलब व्हाट आई कॉल अ सक्सेस, के मुझे 8 मिनट मिले, टॉपिक अभी मैं लिखूंगा बेटा, लिस्टिंग करेंगे। और लिस्टिंग माना ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग माना ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैटर्निंग माना ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब प्रोसेस यूं होगा, टॉपिक लिखा, 8 मिनट मिलेगा, मेरी ये कोशिश होगी मेरी कि मैं ये पूरा पेज भर लूं और मैं ये वेब साइट पे भी भरूं, और फिर मुझे अगर टाइम मिले तो मैं यहाँ से भी जो रिमेनिंग चीज है वो भी। तो
मेरा पर्पस ये कि आप थोड़े अरसे में, थोड़े टाइम में यू जेनरेट सो मेनी आइडियाज, इट्स अ रफ वर्क, इट्स अ क्रिएटिव वर्क। अभी ये ना सोचें कौन सा इम्पोर्टेंट आइडिया है, कौन सा लेस इम्पोर्टेंट, अभी अभी इस सोचने का काम नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, आपका काम है कि आइडियाज जेनरेट करो, बिकॉज द रफ वर्क आगे चल के फिर हम इनमें सिलेक्शन करेंगे, इन पे हम जो फार्मूला लगाएंगे वो अगला प्रोसेस। अभी व्हाट योर टीचर वांट एंड व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए टॉपिक, और अगेन 8 मिनट वही इमरजेंसी, वही अफरा तफरी, वही आपके पीछे कोपा कर, और आपने ये सारा पे, और इसका मतलब जितना मुख्तसर सब एस्पेक्ट होगा अगर आप पूरी लाइन लिखोगे तो आपका टाइम जाएगा, क्योंकि ये रफ वर्क है। आपको कंट्रोलिंग आइडिया लिखना है, आगे चल के इस कंट्रोलिंग आइडिया का टॉपिक सेंटेंस भी बनेगा। तो मैं अगर रफ में जब आपका टीचर कह रहा है कि भाई मुझे मैक्सिमम चाहिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट 20 मिनट में उन्होंने 120 का टारगेट कंप्लीट कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे 30 मिनट्स में भी नहीं हुआ, 40 मिनट्स में भी नहीं हुआ, देर आर स्टूडेंट्स, तो बिकॉज आप वो टारगेट नहीं समझ रहे। टारगेट है कि भी आप थोड़े टाइम में ज्यादा आइडिया जनरेट करें, रफ वर्क है। अब अगर रफ वर्क को आप पूरी लाइन पे लिखोगे कंट्रोलिंग आइडिया को, जितना टाइम एक लाइन को लिखने में लगेगा उतने टाइम में तो हम 4-5 आइडिया जनरेट कर लेते हैं, इट्स अ रफ वर्क। इससे मजीद काम क्या होगा पैराग्राफ का, कि भाई इसी आइडिया को हम टॉपिक सेंटेंस में लिखते हैं, फिर बॉडी डेवलप करते हैं, फिर बाउंस बैक भी कराते हैं। तो व्हाट इज दिस थिंग जो अभी हम कर रहे हैं, इट्स अ रफ वर्क। आई एक्सपेक्ट कि मैं आपसे, मतलब मैं आपको ज्यादा टॉपिक दूंगा लिस्ट में, तो भले 4-5 टॉपिक साथ हो जाए उसके बाद आप अपने नाम लिखें। प्लीज डू नॉट से जो पीडीएफ फाइल है स्कैन, वो फिर चेक नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब व्हाट्सएप पे जो कमेंट्स में दे रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उनको मैंने लिख कर भी दिया है, तो ऑन स्कैन पेज जो स्कैन आप असाइनमेंट भेजते हो वो ठीक है क्योंकि वो प्रिंट हो जाता है, लेकिन ये अभी मैं इलेक्ट्रॉनिकली चेक कर रहा हूँ। आप अजीज को भेज रहे हैं, अजीज मुझे भेज रहे हैं, और मैं कर रहा हूँ। तो आपकी वो जो तस्वीर, सिंपल पिक्चर, और उसको, लेकिन अभी आप हम काफी टॉपिक्स करेंगे लिस्टिंग में, पहले ये कंप्लीट हो और उसके बाद, जैसे ही 8 मिनट कंप्लीट होंगे फिर दूसरा मिल जाएगा, फिर 8 मिनट कंप्लीट होंगे फिर तीसरा मिल जाएगा, फिर 8 मिनट होगा चौथा मिलेगा मिलेगा। अभी हम लिस्टिंग करें, नाउ हम वी आर नॉट डिस्कस, कोई हम मैं ये कहूँ कि मैं आपको 15 मिनट देता हूँ, आधा घंटा देता हूँ, या 40 मिनट, नाउ अगेन 8 मिनट, और मैंने अपना टारगेट बता दिया है कि मेरे स्टूडेंट के पास पेजेस ज्यादा हो लाइक दिस, टॉपिक यहाँ लिखा और ये पूरा हिस्सा भरे, फिर यहाँ से भरे, और अगर टाइम बचे तो 8 मिनट में, और जब 8 मिनट का कहा जाए स्टॉप राइटिंग, और फिर आप स्टॉप राइटिंग, ठीक है। तो अब मैं पहले यू राइट टॉपिक विथ मी, टॉपिक आप मेरे साथ लिखेंगे उसको समझेंगे, देन आई आस्क यू नाउ स्टार्ट, सो योर टाइम ऑफ 8 मिनट्स विल स्टार्ट। सो लिखिए टॉपिक नंबर वन, वे फॉरवर्ड, टू एमिलरेट वे फॉरवर्ड, टू एमिलरेट जी, आपको टॉपिक्स समझ में आए। द वे फॉरवर्ड टू एमिलोरेट
डेटीरियरेटिंग डेटीरियरेटिंग DETERIORATING डेटीरियरेटिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. जी बेटी, ये जो टॉपिक है ये भी सोल्यूशन का टॉपिक है और आपने वे फॉरवर्ड बताना है कि बेहतर कैसे करें, बिगड़ते हुए तालीमी निजाम को बेहतर कैसे करें. और ये आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर वन. और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अब आप इस तरह एरो देते जाएंगे और मुख्तसर वे फॉरवर्ड बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे कि हम तालीमी निजाम को बेहतर कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान के तालीमी निजाम को बेहतर कैसे कह सकते हैं. और आपके पास 8 मिनट है. टाइम स्टार्टेड 8:01 और 8:02 पे खत्म. अगर आपकी लिखी है रहमतुल्लाह खान का अगर वीडियो ऑन करो, फारूक नवाज सुबरो, अब्दुल रहीम, अरबाब मुनीर धारेजो. और मैंने ये कॉजेज हैं, कॉजेज को हम गांव में अलग से देख रहे हैं और दूसरे होते हैं पुल फिर. पेज का एक हिस्सा पुश फैक्टर्स होगा और पेज का दूसरा होगा पुल फैक्टर्स. अब पुल फैक्टर्स का मतलब है कि वो कौन सी अट्रैक्शंस हैं, वो कौन सी फैसिलिटी किसी शहर है जिसकी वजह से आप आके सिटी में सेटल हो. लेकिन बेटा कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन में दे तो रहा हूँ एक टॉपिक आपको लिस्टिंग के लिए, लेकिन इसमें मुझे दो चाहिए. पुश फैक्टर्स अलग चाहिए और पुल फैक्टर्स अलग से. तो पेज आपका ही होगा, मतलब ये मैंने कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन लिखा, इस हिस्से में पेज के इस तरफ मैं लिखूंगा पुश फैक्टर्स, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स इन विलेजेस. और इधर मैं लिखूंगा पुल फैक्टर्स, इसका मतलब है फैसिलिटीज इन सिटीज. तो अब आपके दोनों कॉजेस में आएंगे, यानी पुश फैक्टर्स भी कॉजेस हैं और पुल फैक्टर्स भी हैं. तो बेटा टॉपिक नंबर 3 में आप पेज करेंगे, एक लिखेंगे पुश फैक्टर्स और दूसरा लिखेंगे पुल फैक्टर. और अगेन 8 मिनट होंगे, तो जैसे ही 4 मिनट कंप्लीट होंगे आई वुड से कि भी अब आप पुश छोड़ दें एंड देन यू डिस्कस ऑन पुल. तो लिखें एंड योर टाइम स्टार्ट्स विद 8:22. The causes of urbanization in Pakistan, उसमें पहले आप लिखेंगे push factors, जिसका मतलब है problems in villages, जिसकी वजह से आपने urbanization की. जी, your time starts now.
दो मिनट हुए तो अभी आप कुछ फैक्टर्स यानी वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन होती है, और गांव में क्या मसले हैं जो लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं। जैसे लिखते हैं इतना ज्यादा सोचेंगे तो ट्रेन चली जाएगी दूसरे पास से। आपके 4 मिनट हो गए, और अब अगर पुल फैक्टर्स पे लिखा जाए, पुल फैक्टर्स माने वो अट्रैक्शन फैसिलिटी शहर में जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन होती है। कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, कॉजेज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। योर 8 मिनट स्टार्ट नाउ। यानी गुर्बत के इफेक्ट्स, गुर्बत के नुकसान क्या होते हैं, और ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। टॉपिक नंबर 5, इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी, यानी गुर्बत के असर, इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी।
गुर्बत को महसूस करके फिर लिखें, गरीब लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, फील करेंगे तो ज्यादा लिख पाएंगे। और अब आपको यह भी एहसास होगा कि that you will do after becoming CSP officer. अगर आपको you are given 5 minutes नंबर लगा के सोचे और लिखते रहे, 10 वो काम जो आप करेंगे सीएसपी बनने के बाद, किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना होगा, शादी करनी होगी, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जी लेक्चर है जिसकी तस्वीर लिखे आप लोग मेरे साथ अभी शेयर करेगा और इसको डिस्कस करते हैं। और फिर आपका जो जी तो आपका बेटा जो टॉप 10 टास्क लिखे आपने अभी लिखे होंगे, तो इनमें से वो कौन सा टास्क होगा जो आप मुझसे और पूरी क्लास से शेयर करेंगे? आई विल बी आस्किंग यू कि वो कौन सा इम्पोर्टेंट टास्क होगा जो आप अफसर बनने के बाद करेंगे, यानी टॉप 10 में से एक इम्पोर्टेंट टास्क, भले वो अगर कोई और पार्टिसिपेंट बता दे आप उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो कि आपने जो 10 टास्क लिखे बेटा उसमें से वो कौन सा टास्क होगा जिसको आप क्लास में शेयर करेंगे। तो मैं भी अजीज को कहूंगा कि वो सबको अनम्यूट करेगा एंड आई विल आस्क एवरीवन, मैं जितने भी हैं सबसे मैं बात करूंगा। ये लेक्चर जो है अभी जैसे ही हमारा खत्म होता है आपसे पूछ काछ का सिलसिला, वैसे 10 लिखे हैं सारी बात, आप 10 इम्पोर्टेंट टास्क करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कोई भी एक जो आपकी मर्जी का हो, जो आपने लिखा भले रिपीट हो, वो आप क्लास में से पूरी क्लास से शेयर करेंगे। तो मैं सबको फिर आई बी आस्किंग एवरीवन टू अनम्यूट, अपने टाइम पे नाम लिखे और कोई भी एक बता देंगे और उसके बाद हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के लेक्चर पे आ रहे हैं। फरवरी को इम्तिहान दे रहे हैं या आपका जब भी इम्तिहान हो, तो पहली चीज आप क्या करेंगे, दैट वुड बी द ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन अ ब्रांचिंग टेक्निक, जिसमें टॉपिक आएगा उसका। एक टॉपिक मैंने लिखा उसको डिस्कस नहीं किया, दैट इज फ्री राइटिंग। लव्स फ्री माना फ्री राइटिंग, हेड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन लिखा है बेटा। मैंने आपको ये टेक्निक नहीं करा और उसकी वजह है कि मैंने क्यों नहीं कराई फ्री राइटिंग, बिकॉज फ्री राइटिंग का मतलब है जो जहन में आए वो लिखो, मतलब आइडिया मिक्स हो, 4-5 आइडिया एक साथ आ जाए आप लिखें। अब मैं एज अ टीचर आपको मैं बड़ी मेहनत के साथ पैराग्राफ राइटिंग मैंने कंप्लीट कराई, खत्म कराई, और उस पैराग्राफ राइटिंग का सोल पर्पज ये था कि whenever you write structure, और जब हमने पैराग्राफ खत्म किया था with this idea खत्म किया था कि आप आइंदा जब भी पैराग्राफ लिखेंगे उसमें ये 6 चीजें आप फुलफिल करेंगे और कंप्लीट करेंगे,
ऑल दीज सिक्स थिंग्स रिवॉल्व अराउंड द आइडिया दैट इज एम्बिट, क्या आप उस पर बात करेंगे. लेकिन लेकिन फ्री राइटिंग कहती है कि वॉट एवर कम्स इन योर माइंड राइट, जस्ट राइट. है अच्छी टेक्निक और इससे हेड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन होती है. लेकिन मैं अब आपको राइटिंग में फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि राइटिंग आपने जो भी लिखनी है वो कंट्रोलिंग आइडिया टॉपिक सेंटेंस उस हिसाब से. लेकिन ये टेक्निक का फायदा बड़ा जबरदस्त है फ्री राइटिंग में. कैसे? मिसाल के तौर पर आपके जो सिबलिंग्स हैं, अगर उनका भी प्रोग्राम हो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का, तो बेटा उनको कहें कि वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, 5 या 10 मिनट, 1 पेज, 1.5 पेज, आधा पेज डेली लिखा, और उनको चेक न करें, रेक्टिफाई न करें, उनको इनकरेज करें कि वो लिखता है, लिखते रहे, उनको यूनिटी न सिखाएं, उनको कहें आज जो क्लास में दिन हुआ उस पर लिखो, फिर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उस पर लिखो, मूवीज पे लेकर जाते हैं कहेंगे जो मूवी लिखी उस पर, टूर पे जाते हैं कि तुम्हें घूम के आए, और 1.5 पेज आधा पेज, ताकि उनमें राइटिंग की एक कैपेसिटी आए. फ्री राइटिंग में से फ्री राइटिंग मैंने डायरी राइटिंग लिखो कि अगर आज आप डायरी राइटिंग की हैबिट करते हैं, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, 10 साल के बाद जो आज का लिखा होगा तो आपको लगेगा कि आप 2020 की देखेंगे, आपको लगेगा कि आप बड़े फिलोसोफर थे, ऐसे ऐसे सोचते थे, ऐसे ऐसे आइडिया आते थे. फ्री राइटिंग बिकॉज हम प्लैंड नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, वॉट एवर कम्स इन माई माइंड फ्लो होता है एक माइंड का. तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक है बेटा, मैंने नहीं कराई आपको, उसकी वजह थी मैंने बताया कि मैं आप क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको मैं मशवरा भी नहीं दूंगा कि ऐसे करो. लेकिन जो आपके सिबलिंग्स हैं छोटे हैं जिनको आगे इस फील्ड में आना है, जिनको अभी सोच है, अभी जैसे नवाज है उसको टाइम लगेगा क्योंकि वो पढ़ चुका है, लेकिन अगर वो अपनी हैबिट रखे कि वट एवर कम्स इन माइंड वो लिखता रहे, तो वो राइटिंग कैपेसिटी 3-4 साल में बहुत अच्छी आती है. माइंड में भी कर ली, पैटर्निंग में क्लास में की, लिस्टिंग हमने 5-6 टॉपिक्स कर दिए, 5 W's and H. आपको बताइए 5 W's and H जर्नलिज्म से यानी सहाफत से, इनको जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस भी कहते हैं. जैसे न्यूज है NEWS, उसकी एक डेफिनेशन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, लेकिन उसकी दूसरी डेफिनेशन है कि खबर वो होगी जिसका फर्स्ट पैराग्राफ इन 5 क्वेश्चंस का 5 W's और 1 H का जवाब है. 5 W's में क्या है? What, when, where, who, why, and how. यानी फर्स्ट पैराग्राफ में ऑफ द न्यूज, उस न्यूज में ये 5 W's आ जाए और 1 H आ जाए, और उससे आपका जो पैराग्राफ है, जैसे मैं एक मिसाल दूं, कराची स्पेसिफिक एंड देन क्वेटा स्पेसिफिक कोशिश करता हूं, या लाहौर स्पेसिफिक. व्हाट हैपेंड, पहला सवाल, फर्स्ट सेंटेंस होगा अ मर्डर हैपेंड, खून कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, सुबह हुआ, कहां पर हुआ, जी डालमन बार सीव्यू के सामने, किसने किया, या तो जो भी होता है वो अननोन होता है, नामालूम, क्यों किया, पुराना खानदानी दुश्मनी थी, बंदे नामालूम थे, वजह पता होती है कि खानदानी दुश्मनी, और कैसे किया, ये खंजर से किया. अब आपका जो फर्स्ट खबर है, मतलब टिपिकल क्राइम रिपोर्ट है, उसमें खबर न्यूज का पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें ये चीजें आ जाएंगी. अब जैसे व्हाट हैपेंड, मर्डर हैपेंड, व्हेन डिड इट हैपन, इन द इवनिंग, कहां पर हुआ, जी काशी रोड पे, क्वेटा में रोड है काशी रोड, यहाँ अजीज का भी घर है, वहां पर हुआ, किसने किया, जी नाम वालों ने फरार किया, क्यों किया, पुराने जो है पैसे का मामला था, और कैसे किया, बंदूक से किया, तोपक से किया. तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हू, व्हाई एंड हाउ, ये 5 W's हैं, और इनको हम अभी में
आपको असाइनमेंट लिखवाऊंगा और आप घर से करके आएंगे। जो दूसरा है दैट इज ब्रांचिंग, जो आखिरी है, जो इसको हम कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे, स्टार्ट इस कल मैं बताऊंगा भी कि व्हाट इज ब्रांचिंग। जैसे इसकी तीन ब्रांच होगी, कॉज इफेक्ट्स होगी, कॉजेस को ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, इफेक्ट्स को करेंगे और सॉल्यूशंस को करेंगे। एंड देन हम इस पे बेटा 3 दिन लगेंगे, मतलब कल का दिन और अगले 2 दिन इस पे लगेंगे, और यही आपकी जो है ऐसे की स्टार्ट होगी। एंड देन मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सारी चीजों को जोड़ दूंगा, एंड देन वो ऐसे तैयार होगी। तो मतलब मैं व्हाट आई आस्क यू, इस तरह के जो खाली पेज हो, इस तरह के अगर 8 पेजेस हो आपके पास, 8 पेजेस इस तरह खाली पेजेस, तो मैं आपको असाइनमेंट लिखवाना चाहता हूँ, 5 W's and H अजीज। पेजेस से मुराद जैसे ये एक पेज हो गया, फिर ये दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज हो गया, चौथा पेज हो गया, पांचवा हो गया, छठा पेज हो गया, सातवां हो गया, और 8 पेजेस, लाइक दीज आर योर 8 पेजेस। अब ये एक 8 पेज, जो टॉपिक हम करेंगे वो चेंज है। बिफोर आई गिव यू असाइनमेंट, अगर मिस्टर सरफराज जी बेटा अनम्यूट करें, सरफराज जी सर, जी, इस तरह अगर ये टॉपिक मैं दूं चेंज, मैं टॉपिक देता हूं चेंज और मैं कहूं कि सरफराज ब्रेनस्टॉर्मिंग करो चेंज पे, तो आप कितने आइडिया नंबर जनरेट कर सकते हो, नंबर बता दो। मतलब अगर टॉपिक चेंज मिले तो हाउ मेनी आइडियाज यू कैन जनरेट, से 10, 20, 30। 10+ 10+ होगी जी। जुनैर हाशमी बेटा, जुनैर आपको चेंज का टॉपिक मिले तो बेटा आप कितने आइडियाज जनरेट कर सकते हो जी, ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू। 20+ 20+ 20+, ओके शाबाश बेटा। नौरोज मलगानी, नौरोज 15+ 15+, शाबाश। मोहम्मद रजा कोटा से जी, मोहम्मद रजा, 15+ 15+ सर, आवाज आ रही है? ठीक है। डॉक्टर उमेर आरिफ, उमेर आरिफ डॉक्टर, सर मैं भी अच्छे खासे इस पे पॉइंट्स लिख सकता हूँ चेंज पे। नंबर 25, 30+ ओके 30, 35+, शाबाश बेटा। मिस आमना जफर, आमना जी, आमना चेंज अगर टॉपिक मिले तो आप कितने आइडियाज जनरेट कर सकती हैं? आमना आवाज नहीं आ रही आपकी जी, अब बात करें आमना, नहीं आवाज नहीं आ रही। मिस्टर सर अब आ रही है जी, अब आवाज आ रही है, तो कितने आइडिया जनरेट करेंगे? ओके ऑलमोस्ट 30, 30। ठीक है बेटा। तला
लव पे सर पे आते हैं चेंज पे कितने आइडियाज जनरेट करोगे 20 प्लस ओके तो बेटा मैं आपके बिल्कुल सही है लेकिन जो कल की असाइनमेंट है कल की असाइनमेंट उसका टारगेट है मिनिमम 500 पॉइंट्स टारगेट माना जो असाइनमेंट बेटा मैं दे रहा हूँ वो सोचते हैं कि मैंने 8 पेज निकाल लिए हैं आपसे 8 पेजेस खाली है जारी बात है कल आप इस टेक्निक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो मैं इन इन 5 W's and H's पे जो टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ वो मिनिमम 500 है यानी सबको मिला के आप 500 जो है टारगेट अब मैं प्रेम में समझाता हूँ कि why I am asking 500 उसकी एक वजह ये है कि मैं एक जो आप पर तलवार है वक्त की टाइम की जब पहले तो मैं टाइम रिलैक्स कर रहा हूँ मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू कि आधा घंटा पौना घंटा नहीं टाइम इज रिलैक्स आप एक घंटा लगाए 2 घंटा लगाए 3 घंटा लगाए 4 घंटे लगे 5 घंटे लगे टारगेट आपको पूरा करें और जब ये हो जाएगा आपसे मतलब मिनिमम 500 कोई 700 करेगा कोई 800 सबको मिला के यानी 5 W's सबको मिला के आपने सबका टोटल जो है वो मिनिमम 500 है और अगर आप 700 पे आते हैं 800 पे आते हैं तो कल मैं आई विल कम इन द क्लास पहला काम मैं पूछूंगा कि आपका स्कोर कितना है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की आपके कितने तो एक तो टाइम रिलैक्स हो रहा है और उसकी वजह मैं ये बता रहा हूँ टाइम रिलैक्स की वजह ये मैं साबित करना चाहता हूँ जो मैं कल डिस्कस कर आई वॉन्ट टू प्रूव वन थिंग उसका ताल्लुक ऐसे से है लेकिन अगर आप करके आएंगे तो आई वुड डेफिनेटली प्रूव दैट थिंग और किस तरह तो बेटा अब ये बहुत जरूरी है कि आप पहले मेरे साथ असाइनमेंट समझेंगे लिखूंगा 1 W फिर मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद आप लिखेंगे और किस तरह करेंगे सो लेट्स सी लेट्स स्टार्ट फर्स्ट W में what to change macro or major give the first W samajhne ke liye jaise ye page hai nawaz samne dekho beta फिर आप कहते हैं मुझे असाइनमेंट समझ में नहीं आती नवाज तो फर्स्ट व्हाट टू चेंज मिसाल मैंने यहाँ पर लिखा पेज में और फिर मैं इस पेज को इस तरह करूंगा इस तरह पेज को अब ये पेज जो था एक पेज पर एक ऐसा ही होगा 1, 2, 3 और 4 ये 4 हो जाएंगे मैं एरो दूंगा पाकिस्तान में जितने बड़े डिपार्टमेंट है बेटा ये कह रहा है मैक्रो और मेजर माना जहां जहां आप तब्दीली लाना चाहते हैं बेटा उनको लिस्ट करते जाओ एरो देते जाओ नंबर नहीं लिखोगे एरो देते जाओ कि आप कहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम हेल्थ सिस्टम जुडिशरी प्रिजन सिस्टम एग्रीकल्चर इरीगेशन सोशल वेलफेयर कल्चर डिपार्टमेंट तो जितने बेटा डिपार्टमेंट्स होंगे पाकिस्तान के पक्ष में पूरी दुनिया की तब्दीली की बात नहीं कर रहे पाकिस्तान में तो पहला W क्या है व्हाट टू चेंज तो मैं बेटा 5 W's and H की टारगेट की बात कर रहा एक W की नहीं कह रहा कि भाई इसको भी करेंगे ब्रेन स्टार में फिर वेन भी आएगा वेयर भी आएगा हु भी आएगा वाई भी आएगा हाउ इन सब का टोटल जो है वो मिनिमम 500 है आप 700 पे आए आप 800 पे आए तो आप क्या करेंगे व्हाट टू चेंज लिखा आपने इसीलिए मैं कह रहा हूँ 8 पेज हो ओके तो मैक्रो और मेजर तो यहाँ से बड़े 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 डिपार्टमेंट्स जहां जहां आप तब्दीली लाना चाहते हैं उनको लिस्ट डाउन करते
इधर भी आएगा और यहाँ, तो ये आपका फर्स्ट W होगा। ये मुझे आप लिखें तो मैं सेकंड पे आ सकता, फर्स्ट पेज पे लिखें और फिर पेज को इस तरह भी करें। अभी सिर्फ ये लिखना है व्हाट टू चेंज, बाकी असाइनमेंट यानी घर से आप एरो देके ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जी सेकंड, when to bring change, time frame, जी when to bring change is a time frame। और बेटा इसके लिए देखें सेकेंड डब्ल्यू के लिए मैं पेज एक पेज एक लूंगा या लूंगी एक पेज और इसको इस तरह नहीं करूंगा सिर्फ एक पेज, इस पे मैं लिखूंगा कि तब्दीली कब आए, यानी तब्दीली का जो टाइम फ्रेम होगा वो क्या होगा और इसमें टाइम बताते हैं। बेटा इस डब्ल्यू में मतलब इतना दम खम नहीं है कि आइडिया जनरेट कर सके, क्योंकि ओवरऑल टॉपिक आपका चेंज है। मिसाल मैं कहूं कि तब्दीली अब आनी चाहिए, नाउ काफी हो गया, तब्दीली तब आए मैं सीएसपी जब आप अफसर बन गए 18 में इलेक्शन में जब 5 साल के बाद फिर इलेक्शन हो गए, उम्मीद ये है कि जब 2023 के इलेक्शन होंगे तो हालात बेहतर हो चुके होंगे, तब्दील आ चुकी होंगी। अब मैं मेरा टाइम फ्रेम दे रहा हूँ कब आए और आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, बस काफी है। मैंने इस W में ये पेज बस 1 2 3 4 5 बस काफी, पर इसमें ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं। मैंने when to bring change में तब्दीली कब आए में अभी आ जाए, जब आप अफसर बने तब आए, 2023 के बाद आए, 5 साल के बाद आ जाए, 10 साल के बाद, तो ये इसके जो ब्रेन स्टार्टिंग है बेटा इसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि आप आइडिया जनरेट कर सकते हो। देयरफॉर हम सिर्फ मैंने ये लिखा और आप ये लिख देंगे तो ये पेज और W इज ओवर, मैंने इस पे घर जाके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, ठीक है। अब मैं जब थर्ड पे आऊंगा तो वो समझाऊंगा, ये लिख ले बेटा। जी बेटा थर्ड W, वेयर टू ब्रिंग चेंज, माइक्रो और माइनर, जी बेटा अब थोड़ा इस W को थोड़ा समझेंगे वेयर टू ब्रिंग चेंज। मैंने बेटा एक पेज लिया, मैंने दूसरा पेज भी लिया और तीसरा पेज भी लिया, 3 पेज और इसको मैंने पिन कर दिया 3 पेजेस को और नोरो सामने और बेटा इसको मैं यूं भी कर रहा हूँ। अब थोड़ा एक मिनट सिर्फ देख लें कि मैंने 3 पेजेस को पिन किया, 1 आमना सामने, 2 और 3,
और इनको मैंने यू लिखे हैं। अब एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मैंने इस डब्ल्यू में इतनी कैपेसिटी है कि तीन की जगह चार पेज भी आ सकते हैं और उनको यू भी कर सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं। अब फर्क क्या होगा कि बेटा हम जो फर्स्ट डब्ल्यू लिखा है फर्स्ट वाट टू चेंज, उसका पेज सामने रखेंगे। फर्स्ट डब्ल्यू का पेज बेटा इस तरह, इसको सामने रखेंगे और मैं मिसाल के तौर पे इधर मेरा पहला था एजुकेशन सिस्टम, आपको ये पता है कि ये डब्ल्यू के रन माइक्रो और माइनर चेंजेस, माइक्रो और माइनर मतलब छोटी तब्दीलियां कहां पर आए, छोटी माइक्रो तो मैंने एजुकेशन सिस्टम लिखा इस पेज पे, तो तालीमी निजाम के अंदर कहां पर तब्दीली आनी चाहिए। देखो बेटा मैक्रो में सिर्फ एजुकेशन सिस्टम आया, बड़ी तब्दीली, तालीमी निजाम ठीक बस इतना काफी है, हेल्थ ठीक हो, हेल्थ सिस्टम जी इसी तरह इरिगेशन ठीक हो, इसी तरह से सोशल वेलफेयर ठीक हो, इसी तरह प्रेजेंस ठीक हो, जुडिशरी ठीक हो, एग्रीकल्चर, मतलब जो जो बड़े डिपार्टमेंट। अब एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या तब्दीली है, अंदर तो हम कहेंगे इम्तिहान का सिस्टम ठीक हो जाएगा, रिक्रूटमेंट चेंज हो जाए, हम कहेंगे कि MCQs इंट्रोड्यूस किया जाए, साइंस पे ज्यादा तवज्जो दी जाए, ऑनलाइन क्लासेस को इंटरनेट फैसिलिटी देके इसको ज्यादा करें, और जितनी एजुकेशन सिस्टम मॉनिटरिंग को ज्यादा मजबूत किया जाए। तो बेटा एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको कोई इंटरनेट नहीं पढ़ना है, खुद को खुद आप सोचते रहेंगे और एरोज देते रहेंगे, फिर जब ये खत्म हो फिर हेल्थ पे आए, अंदर इसमें क्या क्या तब्दीली आनी चाहिए, इरिगेशन में क्या। तो बेटा जो आपके ये लिखे हैं वाट वाले बड़े बड़े, इनको वेयर में लिखो हेडिंग, और उनके अंदर जो तब्दीली लाओगे, तो मेरे हिसाब से बेटा आपका ये जो डब्ल्यू है वेयर, ये वाला, ये एक डब्ल्यू आपको 700 से 800 के आइडियाज है अगर आप लिखे। मैंने दिस देखो बेटा फैन में नहीं था, मैंने कहा काफी है चार पांच, जब वेयर में कैपेसिटी है तो मैं एक पेज दो पेज तीन पेज, और मैं कह रहा हूँ चौथा भी लगा दो पांचवा भी लगा दो। वाट की लिस्ट सामने रखो, उधर नंबर लगाओ वाट का जो बड़ा मेजर डिपार्टमेंट है, अब उस डिपार्टमेंट के अंदर वेयर टू ब्रिंग चेंज, अंदर माइक्रो तब्दीलियां बताते जाओ और ये खुद ब खुद लिखता जाएगा और आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। लिखे वेयर टू ब्रिंग चेंज माइक्रो और माइनर, ये सेकेंड डब्ल्यू हो गया, और इसमें तीन पेजेस आएंगे और फिर आप करते रहेंगे जी बेटा। हमें फोर्थ डब्ल्यू पे आऊंगा, वेयर टू ब्रिंग चेंज Who will bring change? The change agents. ये बेटा अब अगला पेज देखें फोर्थ के लिए, प्लीज इस तरह देखें, एक पेज होगा आपका इस तरह लाइक दिस, ये पेज आ गया, और इसको इस तरह करने की भी जरूरत नहीं है,
आपको बेटा पता है कि हु का जवाब, डब्ल्यू एच ओ का जवाब किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी शख्स का, आप लिखे इमरान खान, सैयद मुराद अली शाह, सर बाजवा सर के साथ अपना नाम लिखते हैं। तो जो जो तब्दीली ला सकते हैं पाकिस्तान में उनको आप लिस्ट आउट, कामरान खान का भी लिखो, मुबशर लुकमान खान का भी लिखो, महविश हयात का भी लिखो, मायरा खान का भी लिखो, जो जो आपके हिसाब से तब्दीली ला सकते हैं, तो आप नसीमा खान का नाम भी लिखो, आप उन सब के नाम लिखते रहे जो आपको लगता है कि तब्दीली ला सकते हैं। हु चेंज एजेंट्स, टॉपिक चेंज है तो आप उनको लिख लें बेटा। हु का जवाब टीचर्स ला सकते हैं, आर्मी ला सकती है, जजेस ला सकते हैं, ऑफिसर्स ला सकते हैं, क्यों करो क्यों करो, हु विल ब्रिंग चेंज, तो चेंज एजेंट्स को बताते हैं। तो बेटा ये फोर्थ डब्ल्यू है, अब आएगा फिफ्थ डब्ल्यू, ये लिख लें, I'll discuss the fifth W. Why to bring change reasons or justification. Why to bring change is the last W or the akhri W hai, sorry, second last penultimate W. Uske baad how dekhiye beta, page is tarah hoga, seedha page hoga, और इसको ये मेरा सेवेंथ पेज है, एक पेज इसको दिया, एक इसको दिया, तीन इसको दिया, एक दो चार पाँच छ सात आठवां आखिरी आएगा, ठीक। तो मैं वाई टू ब्रिंग चेंज में मतलब ओवरऑल तब्दीली, टॉपिक हमारा चेंज है और उसको वाई के पैरामीटर में लगा रहे हैं, वाई टू ब्रिंग चेंज में आप लिखेंगे के रीजंस क्या है जिसकी वजह से आप तब्दीली ला रहे हैं, रेशनल क्या है कि यू हैव अंडरटेकन द मार्च एंड प्रोसेस ऑफ चेंज। तो हम मिसाल के तौर पे कहेंगे कि भाई बिकॉज एरो लेकिन व्हिच इज बिकमिंग रिचर, पुअर इज बिकमिंग पुअर, फिर सेकंड में द एक्सप्लॉयटेशन इज एट पीक, राइट्स आर स्नेच्ड, the poor people are not given their rights, students are frustrated, young generation is wavered, politicians are corrupt. Overall bata denge ki the image of Pakistan is tarnished, reason bata rahe hain ki tabdili kyun lani chahiye, aap ab sochte rahenge aur reasons aata hai, then arrow denge because भले आई एम नॉट आस्किंग इस तरह करो जितने लिखे बेटा, क्योंकि आपका टारगेट तो बेयर पूरा कर, हम सबका कह रहे एक दो तीन चार पांच छठा इन सबको काउंट करके और फिर हम कहेंगे कि आप टोटल सबका करके फिर टोटल जी ये लिखे। अब आखिरी पेज आएगा नंबर सिक्स, how to bring change to your method hai aur modus operandi hai, this is the photo Thank you.
बेटा आखिरी है पेज, इस तरह होगा, यू नहीं करेंगे, दिस इज द लास्ट डब्ल्यू, हाउ टू ब्रिंग चेंज। हाउ टू ब्रिंग चेंज में हम तरीका बताते हैं कि तब्दीली कैसे आएगी, तरीका बताते हैं। तो थ्रू वायलेंस तशद्दुद से आएगी, थ्रू नॉन वायलेंस तशद्दुद से आएगी, थ्रू ब्रीचिंग तब्दीली आएगी, तबलीग से आएगी, थ्रू आर्ग्यूमेंट्स तब्दीली आएगी, थ्रू एजुकेशन आएगी, थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट आएगी, थ्रू गोरिल्ला वार आएगी, थ्रू बम ब्लास्ट आएगी, थ्रू सुसाइड बॉम्बर्स आएगी, थ्रू ऑक्यूपाइंग द माउंटेंस एंड बिकमिंग सरंचार, इस तरह से आएगी, थ्रू सोशल मीडिया तब्दीली आएगी। बेटा आप हर वो चीज ब्रेनस्टॉर्म करेंगे जो जिस तरह से तब्दीली आ सकती है, थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आएंगे, थ्रू टीवी टॉक शोज तब्दीली आएगी, थ्रू सेमिनार्स आएगा, थ्रू पब्लिक स्पीकिंग तब्दीली आएगी, थ्रू प्रॉफिट्स रहे जैसे तब्दीली लाई गई उनके अंदर को तब्दीली। तो मतलब आप हाउ बेटा बताते हैं तरीका क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तब्दीली आएगी, वायलेंस से आएगी, क्लास से आएगी, नमाज से तब्दीली आएगी। तो किस तरह, थ्रू एस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरीज, उस तरह से तब्दीली आएगी, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज बनाने से आएगी। तो व्हाट टू चेंज, व्हेन टू ब्रिंग चेंज, वेयर टू ब्रिंग चेंज, हु विल ब्रिंग चेंज, व्हाई टू ब्रिंग चेंज, हाउ टू ब्रिंग। तो ये मेरा छह पेजेस है।